वेलकम टू माय चैनल परी ब्लॉग्स। आज मैं कैरी की गुड़म्बा बना रही हूँ, तो मैंने सोचा आपसे कनेक्टेड हो जाओ और आपको भी ये रेसिपी दूँ। मैं बहुत ही यमी रहता है। वैसे तो मैं बहुत तरह के गुड़म्बे बनाती हूँ, कभी खिरज के बनाती हूँ, कभी धूप में ये करके बनाती हूँ, धूप में रख के बनाती हूँ, और ऐसे ही दो चार अलग अलग टाइप के गुड़म्बे बनाती हूँ। तो लेकिन आज आपको बता रही एकदम सिंपल और यमी और क्विक। और मैं कैरी का अचार भी बहुत डालती हूँ, लेकिन इस बार आपको नहीं बताई, नेक्स्ट ईयर आपको शायद इंशाल्लाह बताऊंगी। कभी नींबू का अचार बीच में बता दी, क्योंकि कैरी का तो सीजन होता है, नींबू तो साल भर मिलते हैं, नींबू का, मिर्ची का, लहसुन का, हर टाइप के मैं अचार बनाती हूँ। तो आपको मैं कैरी का नहीं दे चुकी, लेकिन मैं कैरी का बनाई हूँ, लेकिन वो क्या धूप में 10-15 दिन जाएंगे, तो फिर मैं प्रोसीजर मतलब बहुत लंबा रहता है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा है कि नेक्स्ट ईयर ज़रूर आपको बताऊंगी। तो अभी कैरी का सीज़न जा रहा है, तो गुड़म्बे की रेसिपी दे रही हूँ, आप ज़रूर देखिए और मेरे को सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। चलिए देखिए, मैंने तोतापुरी कैरी ली हूँ गुड़म्बे बनाने के लिए, 1.25 किलो ली हूँ, क्योंकि ये थोड़ी खट्टी कम रहती है। गुड़म्बे के लिए आप ज़्यादा खट्टी लेंगे तो आपको उसमें गुड़ भीड़ बहुत डालना पड़ेगा, लेकिन क्या कम खट्टी ये जो कैरी है, ये तोतापुरी जो कैरी है, ये बहुत मतलब बहुत तो नहीं लेकिन कम खट्टी रहती है। इसे पहला हम ऊपर से पूरा छीलेंगे, फिर इसके फाक बनाएंगे। चलिए फिर मैं भी ऊपर से छीलती हूँ, फाक बनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। पानी से इसे अच्छे से धोया है, ये कैरी के ऊपर की छिलके निकालना है हमको, तो मैंने निकाल दी हूँ। अभी मैं इसे कटिंग करूँगी, मैंने काट दी हूँ इस तरह, ये देखिए। और कुई वगैरह भी इसी में डालूँगी मैं, आप इसे फेंकना नहीं कुई को, अगर आप इसमें कुई डालेंगे, कुई का बहुत अच्छा टेस्ट रहता है, मतलब आप कुई खाएंगे तो बहुत मज़ा ले लेके खाएंगे, तो आप कुई को फेंकना नहीं, इसी में गुड़म्बे में डालना आप। सवा किलो कैरी का गुड़म्बा बनाने के लिए मैंने ये गुड़ लिया हूँ इतना, देखिए ये 1.25 किलो है, और ये एक ढेगले को मैंने तोड़ी हूँ 1.25 किलो को, मतलब मैंने 1/2 किलो गुड़ ली हूँ। आपकी कैरी के मुताबिक, आपकी कैरी कितनी खट्टी है या थोड़ी मिठास में है, वो हिसाब से आपको गुड़ लेना है। मैंने तो आप बताया ना आपको कि मैंने तोतापुरी कैरी ली हूँ, क्योंकि वो कम खट्टी रहती है दूसरे कैरी के मुताबिक। इसे भी मैं अभी तोड़ूंगी और थोड़ा बारीक बारीक इसको बुकना करेंगे, फिर हम पानी मिलाएंगे इसमें और इसको एक मतलब एक जान होने के लिए छोड़ेंगे, पानी में पूरा घुलने के लिए हम इसे छोड़ेंगे। मैंने गुड़ को बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ा है, इसमें अभी हम पानी डालेंगे। पहला मैं एक गिलास डाल रही हूँ, अगर कम लगा तो थोड़ा और डालेंगे। और डाल रही हूँ, मतलब 2 गिलास मैंने पानी डाला है इसमें, और इसको मिलाएंगे अच्छे से हम। थोड़ा 5 मिनट हमें इसे गुड़ को पानी में मिलने के लिए छोड़ देंगे। घुल गया है पूरा, बस थोड़ा बहुत बाकी है तो वो हम पकाएंगे, तो उसमें ये हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कूट के गुड़ को अच्छे से कूटेंगे, बारीक करेंगे और पानी मिला के आप गैस पे भी पका सकते हैं, तो वो पक जाता है, मिल जाता है, लेकिन मेरे पास टाइम था तो मैंने ऐसे भिगने रखा है। लेकिन ये 5 मिनट नहीं, ज़्यादा 10 मिनट में घुला है ये, क्योंकि मैंने मोटा मोटा कूटा था इस वजह से, नहीं तो हमेशा बारीक कूटती हूँ तो बहुत जल्दी घुल जाता है। चलिए फिर अभी गैस पर रखते हैं हम ये। गैस पे मैंने तपेला रख दी हूँ, ये थोड़ा जोश आएगा तो फिर मैं इसमें कैरी डालूँगी। जोश आ रहा है, पहले हम कुटी हुई इलायची डालेंगे, ये देखिए कितनी मैंने ली हूँ, 5-6 ली थी मैंने उसे कुटा है,
काली मिरी एक चम्मच डालेंगे, लेकिन मैं इससे डाल रही हूँ अंदाजे से। आपको कितना खट्टा मीठा चाहिए वो हिसाब से आप डालिए। और मिर्ची का इस्तेमाल करेंगे थोड़ा, अगर आपको नहीं डालना है मिर्ची तो मत डालिए, घर की कुटी हुई डालिए या कश्मीरी लाल डालिए, जो डालना है वो डालिए, क्योंकि मैं ज़रा खट्टा मीठा और तेज, थोड़ा सा तेज का जायका आना चाहिए तो डालती हूँ। नमक आपको स्वाद अनुसार, मिक्स करेंगे अच्छे से। अभी हम पूरी ये जो कैरी है काटी हुई ये सब डालेंगे, आहिस्ते आहिस्ते डालेंगे। हिलाएंगे ऊपर नीचे, इसे फांस पे हमें जोश आने देंगे, अच्छे से जोश आएगा फिर इसे हमें ढक के 10 मिनट बस पकाना है। आप जानते हैं जब हम कैरी को पकाते हैं तो बहुत जल्दी पक जाती है वो, तो इसके लिए हमें पहले फास्ट पे जोश आने तक पकाएंगे, फिर बाद में हम इसे स्लो करेंगे 10 मिनट के लिए। ये जोश आ रहा है, अभी हम इसे 10 मिनट स्लो पे ढक के रख देंगे। अगर बीच में आपको देखना है तो आप बीच में चेक कर सकते हो। वाह कितना यम्मी, मुंह में पानी आ रहा है ना, देखिए ऑलमोस्ट हो गया है ये। बस इसको और थोड़ी देर, मतलब और थोड़ी देर मतलब के 2-4 मिनट हम इसे फास्ट पे ये करेंगे थोड़ा सा, फिर हो जाएगा बस। फिर हमें इसे नीचे उतार के मैं तड़का दूंगी। ये देखिए ऑलमोस्ट हो चुका है ये, अभी हम इसे नीचे उतारेंगे और इसमें तड़का लगाएंगे। लेकिन हम इसके पहले मैंने ज़ाफ़रान भिगो के पानी बनाया है तो वो डालूंगी। आप फूड कलर का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या आप दोनों भी नहीं इस्तेमाल करना चाहते, ऐसे ही बनाना चाहते कोई कलर बिलर या ज़ाफ़रान नहीं इस्तेमाल करना करने तो भी चलेगा। वो तो मेरे पास ज़ाफ़रान है तो मैं डालती हूँ, उसमें लुक अच्छा आता है। कभी कभार मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ। ये ठंडा हो जाएगा तो और भी घट हो जाएगा, इसलिए अभी हम इसे निकालेंगे और नीचे रखेंगे, फिर तड़का मारेंगे। उतार दी हूँ, छोटा फ्राई बिन रख चुकी हूँ गैस पे, और इसमें मैं देसी घी का इस्तेमाल करूँगी, असली घी का। एक चम्मच डाली होगी और डालूंगी, और एक चम्मच भर के, और फिर एक आधा चम्मच, जितना अच्छा देसी घी इसमें रहेगा उतना अच्छा मज़ेदार लगेगा। 4-5 इलायची लिया है, 3-4, और काली मिरी लिया है 5-6, 3 लौंग लिया है, और दालचीनी लिया है तोड़ के इसे 4 टुकड़े, बादाम लिया है मोटे मोटे काटा है, और काजू लिया है। और भी आप कुछ ड्राई फ्रूट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैं बस इतना ही ले रही हूँ। चलिए फिर
इसको हल्का सा ये करेंगे। ये हो गया है, अभी मैं गैस ऑफ करती हूँ और ये मैं गुड़म्बे के ऊपर डाल। तैयार है गुड़ का गुड़म्बा, कितना यमी दिख रहा है और खाने में भी बहुत यमी है। दिखना ही नहीं चाहिए, टेस्ट भी अच्छा रहना चाहिए। ये अभी बहुत गर्म है, ठंडा होगा तो मैं इसे जार में भर के रखूँगी। आप भी इसे जार में या किसी भी चीज़ में आप भर के रखना चाहते रखिए, लेकिन ये 2-3 दिन ही आप बाहर इसे रख सकते हैं, या किसी के घर में जल्दी ख़राब नहीं होता है तो वो रख सकते हैं ज़्यादा दिन, लेकिन मैं क्या करूँगी 2-3 दिन के बाद इसे फ्रिज में ही रखूँगी, फिर जब तक ये ख़त्म नहीं होता जब तक अच्छा रहेगा। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब किया करिए, लाइक करिए। गरम बहुत है, नहीं तो मैं आपको टेस्ट करके बताती थी। वैसे तो आपको लग ही रहा होगा कितना यमी है बना है ये। ज़रूर आप बनाना, बहुत ही झटपट और ईजी है।